आप क्यों भरोसा नहीं करेंगे भाई? आप उनकी माँ हैं, आप तो भरोसा करेंगी, लेकिन ये मोहल्ले वाले जो है ना, ये भरोसा नहीं करेंगे। शराफत से 12,000 रुपए मोटर के थोड़ी देर बाद नीचे भिजवा दीजिएगा, वरना आपको और आपकी बेटी को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा मैं। बस कर दें, हम यहाँ आपको सफाई पेश करने नहीं आए, बल्कि ये पूछना है कि अकेली औरतों को धमकाते हुए शर्म आती है आपको? मेरी माँ से 12,000 रुपए बटोर लिया आपने। अरे आ जाए मेरे भाई, क्या हाल चाल है यार, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे। आप तो ईद के चांद ही हो गए, नजर ही नहीं आते कसम से। अरे क्या बताए नसीर भाई, बस नौकरी करने में लगे हुए हैं। मैंने तो इसीलिए नौकरी छोड़ दी कसम से, इंसान को जानवर समझती, घर बैठा रहता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ, गुजर औकात हो जाती है। अरे याद आया, आपके जो नए किराएदार हैं वो सुने छोड़ के जा रहे हैं? तौबा करें भाई, किराएदारों से कसम से मैं तो बेजार आ गया हूँ। बेवा औरत थी, मुझे तरस आ गया, दो बच्चियाँ थी छोटी छोटी, मैंने बोला चलो किराए पे दे देते, लेकिन उनके लच्छन, अल्लाह बचाए अल्लाह। लच्छन क्या मतलब, समझा नहीं मैं, ऐसा भी क्या हो गया? नहीं, किसी की ऐबजोई नहीं करनी चाहिए, लेकिन औरत देखने में इतनी मासूम लगती थी, ऊपर से बेवा थी। तौबा, जब उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम कौन होते बोलने वाले भाई, भाड़ में जाए। तौबा तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी शरीफ जातियां बनती थी ना माँ बेटियां दोनों। अरे नसीर भाई, मेरे तो बच्चे उनके घर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, मैं तो आज से नहीं भेज रहा अपने बच्चे उनके घर। वाह 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 वाह, अपने बच्चे उनके पास ट्यूशन भेज दिए? अरे कुछ तो ख्याल कर लेते, हम मर गए, आपकी भाभी मर गई है, वो किस मर्ज की दवाएं इनके पास भेजे ट्यूशन? वैसे तो हम लोग पैसे नहीं लेते, अगर अपनी मर्जी से कोई कुछ हाथ पे रख दे तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ ये सही है, बस नसीर भाई भाभी को बता दें आज से बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ने आएंगे। खुदा हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह खुश रहिए। खुश भाभी से बात कर ले, मैं भेज रहा हूँ बच्चों को कल से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। फाकिया एक ग्लास पानी लेकर आओ। क्या बात है आज बेटा, थकी भी लग रही हो। हाँ मम्मी, आज ऑफिस में काम बहुत था। हाँ बेटे, गर्मी भी बहुत है आज वैसे। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट एजेंसी गई थी? हाँ वहीं से आ रही हूँ। गई थी वहाँ, क्या कहा उसमें? क्या कहेगा अम्मी, वो उसे तो अपना कमीशन मिल चुका है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। साफ साफ कह दिया कि मेरा काम सिर्फ घर दिलवाना था, अब अगर मालिक मकान तंग कर रहा है तो मैं क्या करूँ। अरे तो उससे कहो हमारे एडवांस तो वापस दिलवा दे। मैंने कहा था उससे, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो भी नसीरुद्दीन के साथ मिला हुआ है। काश कि उस औरत की बात मान लेते हम, इतनी बड़ी रकम फंस गई अम्मी, अब क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया, बस अब तो फौरन के फौरन कोई दूसरा घर देखो और यहां से निकलो। मुझे तो डर है कहीं नसीरुद्दीन तुम दोनों को और कोई नुकसान ना पहुंचाए। बहुत मक्कार आदमी, हमेशा दिन में आके आपको धमका के चला जाता। अम्मी आइंदा हमारी गैर मौजूदगी में दरवाजा नहीं खोलिएगा। हाँ बेटा ख्याल रखूंगी मैं आइंदा। फाकिया मुझे एक कप चाय पिला दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। हाँ खबरदार, अब यहाँ पढ़ने के लिए मत आना। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हुआ? आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, कोई बात बुरी लगी आपको मेरी? बुरा मत मानना बहन, पूरा मोहल्ला तुम्हारी बेटियों के किरदार पर थू थू कर रहा है और तुम ऐसे मासूम बन के मुझसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो। ये झूठ है सब, बहतान है मेरी मासूम बच्चियों पर। अब ये सच है या झूठ है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि इस पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे अब तुम लोग। मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ, सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अल्लाह हिदायत दे बहुतान लगाने वालों। हिदायत दे, लानत भेजिए इसे मोहल्ले पर। चलो बेटा अब यहाँ नहीं आएंगे पढ़ने।
आओ भाई, चाय पिला दो जल्दी से, सर में बहुत। हमें बदनाम करके तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, आखिर हमने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? अरे बिजली और गैस के ज्यादा पैसे मांगे वो दे दिए, पानी की मोटर सही कराने और उसके अलावा पता नहीं किस किस चीज के लिए पैसे मांगे वो भी हमने तुम्हें दिए, फिर भी तुम मेरी बच्चियों को मोहल्ले में बदनाम कर रहे हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या सुबह सुबह आकर मेरा सर खा रही है? घर छोड़कर जाना है? जाओ, आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना, चलो जाओ यहां से। नसीरुद्दीन, इंसान नहीं हो, शैतान हो तुम, शैतान। याद रखना, जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बहुत बुरा होता है। अबे जब मेरे साथ बुरा होगा ना भाई, तब मैं देख लूंगा। अभी बददुआएं देना बंद करो। वैसे मैंने सुना नया घर तलाश कर रहे हो तुम लोग, हैं? ढूंढो ढूंढो, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, वो जो 2 लाख रुपए एडवांस के मुझे दिए हुए ना, उसे भूल जाना। वो नहीं मिलेंगे तुम लोगों को। कैसे कैसे नहीं मिलेंगे? कैसे नहीं दोगे तुम मेरे बच्चियों के पैसे? मेरी बच्चियों की हलाल की कमाई है वो, इतनी आसानी से हजम नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। बच्चियों की हलाल की कमाई क्या करोगी? पुलिस में रिपोर्ट कराओगी? जाओ करा दो भाई, पैसे चोरी भी हो सकते हैं, घर में आग भी लग सकती है, जो करना है कर लो, जाओ शाबाश। अल्लाह की लाठी बेआवाज है नसीरुद्दीन, डरो उसके कहर से। अभी जा रही हो या छोड़ के आऊं मैं तुम्हें? लाइए ना मेरे। बच्चियों की हलाल की कमाई क्या करोगी? पुलिस में रिपोर्ट कराओगी? जाओ करा दो भाई, पैसे चोरी भी हो सकते हैं, घर में आग भी लग सकती है, जो करना है कर लो, जाओ शाबाश। अम्मी, ये 5:30 बज गए, हम तक ट्यूशन का एक बच्चा भी नहीं आया। अम्मी क्या हुआ, आपको रो क्यों रही हैं आप? हम यहाँ नहीं रहेंगे, बस हम ही घर छोड़ देंगे, कहीं भी चले जाएं, एक कमरे का घर ले ले, मैं उसमें गुजारा कर लूंगी, लेकिन अब इस घर में नहीं रहना मुझे। ठीक है अम्मी, हम घर शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन आपको अचानक से क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम रिदा को फोन करो, उसे कहो स्टेट एजेंट से बात करे और हमें घर दिला दे, दूसरा बस हमें नहीं रहना यहाँ। अम्मी मेरी बात सुन, घर शिफ्ट करना इतना आसान नहीं, कम से कम भी 2-3 हफ्ते चाहिए, और फिर नसीरुद्दीन हमारा एडवांस भी वापस नहीं कर, नए घर के लिए एडवांस की ज़रूरत होती है, अम्मी कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ये नसीरुद्दीन, अगर हमने ये घर नहीं छोड़ा तो ये खा जाएगा हमें, मोहल्ले के बच्चे भी इसीलिए नहीं आए आज, पढ़ सारे मोहल्ले में तुम दोनों को बदनाम करता फिर रही है। अम्मी आप परेशान ना हो, ठीक हो जाए। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में गुलबर्ग और लियाकताबाद में रेलवे ट्रैक से तजावुजात खत्म किए जाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के 43 किलोमीटर तवील रास्ते के अतराफ लगभग 5,000 से ज्यादा मकानात और बुलंदोबाला इमारतें कायम हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी के मुताबिक रेलवे की कुल 580 एकड़ अराजी पर कब्जा है, जिसे छुड़ाना है। जो भी नई गवर्नमेंट आती है ना, उसके यही ड्रामे होते हैं।
अब इस शहर में सर्कुलर ट्रेन चल ही नहीं सकती। दो दिन के ड्रामे, उसके बाद सन्नाटा। सिर्फ आवाम को परेशान करना है इन लोगों ने। लेकिन 1,00,000 रुपए आएंगे कहाँ से? काश के हमारा अपना घर हो तो यूं किराए के घर में धक्के ना खाने पड़ रहे होते। मुझे ऑफिस से एडवांस पे नहीं मिल सकता, वरना मसला ही हल हो जाता। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे। वैसे अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो मेरे पास इस मसले का एक हल है। क्या? मिलाती हूँ। तो ये तुम्हारे अब्बू ने बनवाई थी मेरे लिए, इन्हें बेचकर घर का एडवांस दे दो। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? आपको याद है ना पापा ने कितने अरमान से ये दो चूड़ियां बनवाई थी आपके? हाँ बेटे, लेकिन अब तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। अगर वो आज जिंदा होते तो हमें ऐसा करने का सोचना भी ना पड़ता। नसीरुद्दीन, तुम्हें अल्लाह पूछेगा। बेटा इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इन्हें बेच दो और घर का एडवांस दे दो ताकि हम जल्द से जल्द इस जहन्नुम से निकलें। अम्मी देखिएगा, एक दिन में आपके लिए बहुत बड़ा सा घर खरीदूं और उसमें सिर्फ हम लोग रहेंगे। ये आ गया सामान। हाँ जी, सारा सामान लिया है ना? हाँ जी, देख लें, आलू भी लिया है मैं। शमसा बहन का सामान चला गया? जा रहा है बस। और अब्बू बाहर कुर्सी डाल के बैठे हैं, एक एक सामान गौर गौर से देख रहे हैं कि जैसे वो हमारे घर की दीवार और छत ना ले जाए। हद हो गई, ला उन्हें माफ करे। की आंखों पे तो जैसे लालच की पट्टी बन गई। अब्बू हमेशा ऐसे ही करते हैं किराएदारों के साथ, इसीलिए टिकते नहीं हैं वो लोग, चले जाते हैं। आई थी माँ और बेटियां मुझसे लड़ने के लिए, एडवांस वापस लेने के लिए। मैंने एडवांस भी वापस नहीं किया और घर भी खाली करवा लिया। अब्बू आप ये गलत कर रहे हैं, हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। अबे ओ, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। अच्छा, और ये सही और गलत की पट्टी ना किसी और को पढ़ाना। एक तो मैं तुम माँ और बेटों से ना बकवास कर करके आजिज आ चुका हूँ। तुम लोगों को पता है ये जो एडवांस आया ना, इसमें थोड़े से पैसे और डालूंगा, इस मकान के ऊपर एक मंजिल और डालेंगे और उसको बिस्मिल्ला करके किराए पर चढ़ा देंगे। हैं, अबे ये जन्नत में किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम लोगों के लिए। मैं आज हूँ कल नहीं है। अबे अपनी सब्जी तरकारी की दुकान को उठाओ और चाय दो मुझे, सर दर्द से फटा जा रहा है। जी। हॉल वाला कुवत, पैसा पैसा पैसा, पता नहीं इस शख्स ने पैसे के पीछे क्यों दौड़ लगाई हुई है। वो इसलिए क्योंकि उनको पैसों की हवस हो गई है और हवस का कभी पेट नहीं भरता। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं शमसा बहन को खुदा हाफिज कहने जाती। अरे किस मुंह से करती मैं उनका सामना? सही कह रही है, उन्हें मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। देखते हैं कौन आता है उनकी जाल में दूसरा। अल्लाह सबको मुश्किलात से बचाए, बस दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तुम नसीरुद्दीन हो? जी जी, मैं नसीरुद्दीन। देखिए हम कोर्ट की तरफ से आए,
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक रेलवे की जमीन से तजावजात खत्म किए जा रहे हैं, और क्योंकि आपका घर इस गली में रेल की पटरी के बिल्कुल करीब है, इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिए इस घर को गिराने के, और ये उसका नोटिस। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत पुराना घर है मेरा, ये और नोटिस गलत होगा। ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था जब नाजायज जमीन खरीद कर मकान बना रहे थे। अरे भाई, इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, मेरा क्या कसूर है? देखिए, गलती किसी की भी है, भुगतनी अब आपको पड़ेगी, क्योंकि इस घर में आप रहते हैं। अगले जुम्मे तक ये मकान खाली कर देना, सरकारी लोग आएंगे और मशीनरी से ये मकान गिरा देंगे। चले साहब, ये और भी नोटिस बांटने देर हो रही है। हाँ, एक बात याद रखना, ये मकान खाली कर देना, वरना हमें मकान खाली कराना आता है। अरे साहब, मेरी मेरी बात तो सुने। खालिद, ये सब तुम्हारे अमाल का नतीजा है नसीरुद्दीन। आ गया वो दिन, आ गया जिसके लिए मैं डरती थी, तुम्हें रोकती थी, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तुमको, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे लालच की और हवस की पट्टी बंधी हुई थी। कुछ नहीं दिखा तुम्हें, ना किसी की मजबूरी, ना किसी की यतीमी, बस हंसते खेलते घर से दर बदर कर दिया। देख लो मेरे अल्लाह का इंसाफ, तुमने लोगों को दर बदर किया और आज हम दर बदर होने को है। तुम ठीक कह रही हो बेगम, मुझे मजलूमों की बद्दुआएं लग गई, मैं फिरौन बनकर उनसे फायदा हासिल करता था, उन्हें अपना यह घर किराए पर देता था और उसके बाद धक्के देकर घर से निकाल देता था। इसी वजह से उस ऊपर वाले ने मेरे कदमों से मेरी जमीन छीन ली। यही मकाफात है हमारे अबू। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है, वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे दिया लगी है, मेरे पास लौट नहीं।